अभी जस्ट मैं उठी हूँ, और उठी मतलब मैं 7 बजे उठ गई थी, लेकिन मेरी तबीयत अभी ख़राब हो गई है और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है पेट में, और वॉमिट और लूज मोशन हो रहे हैं। देखते हैं दोपहर तक अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी क्या बोलते हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे ना हॉस्पिटल जाने में भी इतना डर लगता है। इसलिए डर लगता है, मेरे लिए नहीं डर लगता, और डर ये लगता है कि अगर मैं जाऊँगी तो ऑब्वियसली इनको भी जाना पड़ेगा, और अगर इसे लेके जाऊँगी तो फिर कराना, फिर हाइजीन ये वो, सो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। हालांकि मैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, जब से मेरी डिलीवरी हुई है दिन पर दिन मैं वीक होती जा रही हूँ इंटरनली। बाहर का तो पता नहीं वेट लॉस का, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा हो गया है कि पता नहीं अचानक से ना, पता नहीं कब ठीक होंगी। ऑलरेडी 7 महीने हो गए इसको, मेरी डिलीवरी को भी, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ होता तो मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी, फेंट हो जाऊंगी। अंदर से अजीब सा चिड़चिड़ापन हो गया बहुत ज़्यादा। सो अभी ये तो सो रहे हैं, इनको नहला धुला दिया है, फीड करा दिया है, हालांकि खाया इसने भी कुछ नहीं, क्योंकि इसको भी जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके बल्कि नेज़ल वगैरह इसके नाक में डाल रही हूँ, लेकिन जुकाम तो चलो ये है कि सीज़न चेंज हो रहा है तो हो गया, इसको ठीक हो जाएगा। और मेरा भी देखते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो ग्लूकोज वगैरह लगवा के थोड़ा सा लाइक बॉडी को वो किया जाए, तो बूस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है अभी। और दिन पर दिन मतलब बॉडी पेन ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ। तो मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाती, मैंने आपको बता दिया कि क्या रीज़न है, अदरवाइज़ मैं कब का जाके दिखा लेती। सो चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं मतलब खाना भी टाइम पे खाती हूँ, सब कुछ टाइम पे करती हूँ, लेकिन स्टिल मेरी बॉडी ना मतलब हाथ से निकलती जा रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और नहीं वो मतलब एक होता है ना कि एक्टिव हो जाना, नहीं हो पा रहा है। सो ये भी एक फेज है, शायद आप लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो शेयर करना, जिनके भी बच्चे होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ब्लॉग देखते हैं मेरे। सो मुझे बताना कि मैं क्या करूं, और हमेशा मैंने आपके हर राय दी है, अभी मैं आपसे मांगती हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको ज़्यादा पता है ऑब्वियसली मुझसे, तो जो मेरे साथ हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया ही है, लेकिन जो आपको पता है आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ तुम ये करो वो करो। और रही बात वेट लॉस की, तो बहुत लोग पूछते हैं कि आपका वेट तब क्या था अब क्या है, तो मेरा वेट जब ये 9 मंथ में पेट में था मेरे, तो 85 पे पहुंच गया था, विच इज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, और अभी मेरा वेट 67 तक आ गया है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20 kg, हाँ इतना कम हो गया इतने दिन में, और वो बहुत पहले ही हो गया था रिसेंटली, जब ये तब डिलीवरी होती है तो 8-9 किलो तो तभी आपका चला जाता है 10 दिन के अंदर। सो ऐसे धीरे धीरे करके इतना हो गया, और पता नहीं अभी क्या होगा, ठीक है। तो जो भी एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करना अपनी पोस्ट डिलीवरी के बाद। और रही बात वर्कआउट करने की, तो यार बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मेरे से घर का काम नहीं होता, वर्कआउट कैसे करूँ मैं, बट स्टिल देखते हैं अभी क्या होता है दिन में, क्या क्या नहीं होगा, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो चलिए, तो ये जो क्लिप है, ये जिस दिन मैंने आपसे बात की उस दिन मैं नहीं गई थी, मुझे लगा ठीक है हो जाएगा तो मैंने दवा खा ली थी, लेकिन ये ठीक हुआ नहीं तो मुझे अगले दिन जाना पड़ा, और मैं अगले दिन सुबह ही चली गई थी। सो वहाँ जाके बस ग्लूकोज चढ़े, काफ़ी 6-7 इंजेक्शन लगे थे मुझे, और बेटू साथ में था तो मुझे अपनी तो नहीं इसकी ज़्यादा टेंशन थी कि कहीं परेशान ना हो जाए, बट टचवुड इसने मुझे परेशान बिल्कुल नहीं किया, वहीं पर खाया पिया मौज की मस्ती की, और फिर सो भी गया था। फिर उसके मामा थे इसके पास, सो ग्लूकोज चढ़ते टाइम मुझे मतलब पता नहीं क्या होता है, फेस पे स्वेलिंग टाइप आ जाती है, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना, बहुत लोगों के साथ ऐसा नहीं होता मैंने सुना है, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे मुझे ग्लूकोज लगा मुझे ऐसा लगा मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गई, और इसी डर से मैं काफ़ी टाइम से चीज़ अवॉइड कर रही थी, चढ़ा लो, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, पास में ये क्लिनिक टाइप है, मास्क नहीं होता है, क्योंकि तो बच्चे को लेके किसी बड़े अस्पताल में जाना इट्स टफ कि मैं वहाँ पे जाती, तो मैं यहीं पे चली गई थी, और आप इसको देख सकते हो एकदम खा पी के मस्त है, खेलने में लगा है, और मैं अंदर मुझे अंदर भेज दिया था क्योंकि छोटा बच्चा था तो उसके साथ ज़्यादा पेशेंट के साथ रख नहीं सकते, तो यहाँ पर ये खेल रहा है, और इसके मामा जो है वो चने खा रहे हैं, मतलब मेरा भाई जो है वो कुछ खा रहा है, तो उसी को परेशान करने में लगा है। यस, वेलकम बैक टू माई चैनल, और होपफुली आप सब कैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे।
सो आज ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन बाद में ये ब्लॉग, 2 दिन बाद में ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ. और ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं घर आ गई हूँ और आप देख सकते हैं मैं फिट एंड फाइन हूँ अभी. सो बहुत लोगों की क्वेरी होगी कि हुआ क्या था, हुआ क्या था. सो बहुत ऐसे मेजर नहीं हुआ था, लेकिन डिलीवरी के बाद पहली बार मैं ऐसे हॉस्पिटल एडमिट हुई थी, वो भी बहुत डर डर के. सो हुआ क्या था कि मेरे को लूज मोशन और वॉमिट हो गया था कुछ खा के. मैंने कुछ अलग अनाज खा लिया था उसकी वजह से. और सो ग्लूकोज वगैरह चढ़े थे, एडमिट हो गई थी मैं दोपहर तक. सुबह गई थी, दोपहर तक मैं वापस आ गई थी. तो उस टाइम पे वहाँ पे हस्बैंड भी नहीं थे और मम्मी भी नहीं थी, भाई था मेरा और मेरा बेटू था, हम तीनों गए थे. सो बस वही ग्लूकोज वगैरह चढ़े, बॉडी काफ़ी वीक हो गई मेरी फ़िलहाल के लिए. और बीपी लो था मेरा थोड़ा सा, अदरवाइज़ आई एम ओके. और उसकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सो इसलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे अभी हमारे. सो अभी ब्लॉग हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और आप लोग बताइएगा कैसे हैं कैसे नहीं हैं. और रही बात ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है अभी और बहुत जल्दी जल्दी अपडेट दूँगी मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ी तो गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी ठीक होंगी शायद, तो अपडेट करूँगी मैं आपको. और अभी मैं घर पे हूँ, मम्मी के ही घर पे हूँ. सो ससुराल जाने का अभी तो कुछ पता नहीं है कि कब जाऊँगी, क्या है क्या नहीं है सीन. तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहीं पे हूँ और अभी बस शाम का टाइम है. आज मौसम काफ़ी अच्छा है और दिन से लू वगैरह नहीं चली है. मैंने सोचा थोड़ी सी बात आपसे कर ली जाए और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं. और कुछ क्वेरी थी किसी की कि आपने चेजी के बाद ब्लॉग नहीं शूट किया, तो जी सारे मेरे ब्लॉग्स पड़े हैं, आप जाके देख लीजिए एक बार और सब मिल जाएंगे आपको. बकायदा आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा. सो वीडियोस मेरे सारे पड़े हैं चैनल पर, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं. मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी, डिलीवरी स्टोरी, ईच एंड एवरी थिंग वहाँ पर पड़ी है. और यस मैं थोड़ी लेजी हूँ, ब्लॉग्स मेरे थोड़ा सा लेट आते हैं, लेट लगी हूँ मैं, क्योंकि मैं पहली प्रायोरिटी बाकी चीज़ों को दे देती हूँ. लेकिन आई नो मुझे ब्लॉग्स भी कंटिन्यू करने चाहिए. सो बस यही था और चलिए मिलते हैं, जब तक आप ये ब्लॉग्स देखिए, ये वाला ब्लॉग देखो और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ. इसके लिए बाय.